तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिल गया है। एंड गाइस आप लोग को अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, जिन डिवाइस में ऑलरेडी अपडेट देखने के लिए मिल गया तो उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही जल्द किन किन डिवाइस में अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है MIUI 13 एंड एंड्रॉइड 12 का अपडेट, क्योंकि यार बहुत सारा अभी डिवाइस है जैसे कि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 10 Prime, Redmi 9 Prime एंड Poco X2 डिवाइस के जो यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि यार इन डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज अगर आप भी हैं इन डिवाइस में से कोई भी डिवाइस के यूजर्स, तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच कर लो, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जाओ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही अपडेट मिलना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम ग्रुप का इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद यार वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वीडियो बना के उसके बाद अपडेट में क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है, क्या कुछ चेंज लॉग देखने के लिए मिला है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें यार नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो वो है गाइस Redmi Note 9 का। यार Redmi Note 9 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट ग्लोबल साइट में देखने के लिए मिल गया है। तो गाइस अभी जो ग्लोबल साइट में अपडेट देखने के लिए मिला है वो पायलट यूजर्स को देखने के लिए मिला है। तो जैसे ही गाइस ग्लोबल साइट में सभी Redmi Note 9 डिवाइस के यूजर्स को MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, उसके अप्रॉक्स 15 टू 20 डेज बाद इंडिया में अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा Redmi Note 9 डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का। सो गाइस अब हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max एंड Redmi 10 Prime एंड Redmi 9 Prime डिवाइस के बारे में। गाइस इन डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, तो फाइनली इन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro डिवाइस के बारे में। यार Redmi Note 9 Pro डिवाइस में ना अप्रॉक्स 2 से 2.5 महीना हो गया सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट मिले हुए, लेकिन अभी तक कोई भी न्यू सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो अब बात आता है कि MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो यार आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को सबसे पहले एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यार काफ़ी पुराना हो गया है वो वाला जो अपडेट देखने के लिए मिला था 2.5 महीना पहले। तो गाइस डिवाइस में कुछ बग एंड इशू फेस करना पड़ रहा है, तो गाइस इसी वजह से आप लोगों को पहले एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा। जुलाई महीने में तो बहुत ही कम चांस है कि आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिले सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का। तो आप लोग को यार अगस्त महीना के फर्स्ट वीक या फिर मिड अगस्त तक आप लोग को एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिले, उसके बाद गाइस अगस्त महीना के बाद ही आप लोग को MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के बारे में तो यार यहाँ पे तो 3 महीना के अप्रॉक्स में हो गया है सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट मिले हुए। तो गाइस इसमें भी सबसे पहले आप लोग को सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यार ये डिवाइस में कुछ बग एंड इशू है जो कि Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के जो यूजर्स हैं जो कि बग एंड इशू को फेस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट यार MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट तो आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दोनों जो अपडेट है वो काफ़ी बड़ा अपडेट है। तो डायरेक्ट अगर अपडेट पुश कर दिया जाता है तो गाइस क्या होगा ना कि पहले से तो ऑलरेडी बग है, अगर ये दोनों बड़ा अपडेट अगर पुश कर दिया जाएगा तो यूजर्स को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ये अपडेट को अपडेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बग एंड इशू को वो फेस करेंगे। तो हो सकता है कि इसी वजह से MIUI 13 अपडेट मिलने से पहले एक आप लोग को सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद ही आप लोग को MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें कि ये सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो यार जुलाई में इसमें भी बहुत कम चांस है कि आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिले, क्योंकि यार आप लोग को मालूम है कि जुलाई महीना का कुछ ही दिन रह गया है, तो गाइस बहुत ही कम चांस है कि आप लोग को इस महीना में अपडेट देखने के लिए मिले। तो आप लोग को यार अगस्त महीना में ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का, उसके बाद गाइस आप लोग को MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि उसके नेक्स्ट मंथ में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आप लोग को अक्टूबर में भी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। बात करिए यार Redmi 9 Prime डिवाइस के बारे में, यार Redmi 9 Prime डिवाइस में हो सकता है कि MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट ना अगस्त महीना के एंड वीक तक आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस
पहले तो अपडेट पायलट यूजर्स को ही देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद अगर अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तब उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार जो पायलट यूजर्स है वो तो थोड़ा सा अलर्ट ही आना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते आना। तो यार अगर हम बात करें रेडमी 10 प्राइम डिवाइस के बारे में, तो रेडमी 10 प्राइम डिवाइस में ना रिसेंट में ही एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिला है सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का। तो गाइज इसमें आप बहुत ही जल्द MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहां पे अगर बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यार यूजर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि MIUI 13 के अपडेट में काफी सारा एक्साइटिंग फीचर्स देखने के लिए मिल रहा है। तो यूजर्स वेट कर रहे हैं कि यार आखिर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस आपने यहां पे यार मिड अगस्त तक वेट कर लो, हो सकता है कि मे बी मिड अगस्त तक आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का। अगर बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, तो यार वो आता है पोको X2 का डिवाइस, जो कि आप लोगों को मालूम है कि अप्रॉक्स 7 महीना से पोको X2 डिवाइस में कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो यार यूजर्स अब ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट MIUI 13 एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बहुत ही कम चांस है कि आप लोगों को डायरेक्ट MIUI 13 एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने के लिए मिल जाए, आप लोगों को उससे पहले एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यार लगभग 7 महीना से अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो बहुत सारे बग एंड इशू है डिवाइस में, तो इसी वजह से सबसे पहले आप लोग को सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा। वैसे यार मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है पोको X2 डिवाइस पे, तो गाइस आप जाओ चैनल पे चेकआउट करो एंड वो वीडियो को आप देखो। मैंने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आप लोग को ये सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद यार MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट आप लोग को कब तक देखने के लिए मिलेगा, वो वीडियो को जरूर आप जाके वॉच कर लेना। तो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।